वैसे सब जो स्क्रिप्ट के लिए होती हैं ये कितना फ्यूचर के लिए कितने फ़ायदेमंद है? बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मतलब जिस तरह की आइडियाज़ आ रहे हैं उसके, मतलब एक संकलन में जो 12 स्क्रिप्ट हैं, इतने एक्साइटिंग 12 आइडियाज़ जो पूरे साल में हिंदी सिनेमा में नहीं आते। तो इसको स्क्रिप्ट डेवलप करना, उसमें से 3 फिल्में जो बनेंगी, तो एक्साइटिंग तो है ही ऑब्वियसली, और नए टैलेंट आएगा। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट की बहुत कमी भी हो रही है? बहुत ज़्यादा कमी, बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि काफ़ी डायरेक्टर्स ऐसे देखे जाते हैं जो एक ही जॉनर के फिल्म्स बनाते जा रहे हैं, तो नहीं, वो तो होता है, वो तो कहीं भी जाओगे वो डायरेक्टर एक ही जॉनर की फिल्म ही बनाते हैं। हर आदमी का एक अपना फेवरेट होता है। कुछ लोग होते हैं जो 2-3 अलग अलग तरह की फिल्म बनाते हैं। हिचकॉक एक ही जैसे की फिल्म बनाते हैं, फ्रैंक काफ्रा एक जैसी फिल्म बना रहे हैं। तो कहीं भी जाओगे तो वैसा ही होता है। आप स्टार स्टेटस के भी कितना मानते हैं आजकल? स्टार तो बिल्कुल नहीं मानता। काफ़ी फिल्में आ रही हैं जिसमें बड़े बड़े स्टार्स होते हैं लेकिन फिल्में बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलती। नया फिल्में बनाना, उसमें बड़े बड़े स्टार्स नहीं लगते। और अगर बात करें आमिर को, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नो स्मोकिंग के बाद आमिर ने आपको काफ़ी मदद की डिबैकल से बाहर आने में? ऑब्वियसली 100%। आमिर ने वापस कॉन्फिडेंस दिया, आमिर ने वापस एक वो स्टैंडिंग दी है, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। आजकल जितनी भी फिल्में बन रही हैं बॉक्स ऑफिस पे तो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं लेकिन पिट जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्क्रिप्ट जो है वो असली हीरो रहता है? योर टेक ऑन स्क्रिप्ट असली हीरो है, वो हिंदी फिल्म का सबसे बड़ा स्टार जो स्क्रिप्ट है। जब तक स्क्रिप्ट को स्टेटस नहीं दिया जाएगा तब तक सारी हिंदी फिल्में जो हैं वो किस्मत पे ही चलेंगी। जितनी अहमियत हम स्टार कास्ट को और फिल्मों में देते हैं तो वो थोड़ा कम करके स्क्रिप्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं, वो है ऑब्वियसली सारी लड़ाई और सारा स्ट्रगल ऐसी बात का है कि लोग स्क्रिप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें और ना कि स्टार कास्ट पे। सो उसी की तरफ हम लोग शायद चलते हुए जा रहे हैं, देखते हैं ऐसा टाइम आएगा, आई थिंक सो। अगर अभी बात करें फ्यूचर प्लान्स की, तो आप अभी राइट नाउ किस चीज़ में बिजी हैं, क्या करें? मैं देवडी गुलाल दोनों ख़त्म हो गई है, दोनों का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और अभी आगे की फिल्मों का प्लानिंग कर रहा हूं। देवडी गुलाल के बारे में अगर थोड़े मिनट डिस्कस करें? अभी नहीं, अभी टाइम नहीं, तो सिर्फ एडिट चल रहा है। वो फिल्म रिलीज होगी नवंबर दिसंबर, जब तक तब तक एक शेप लेगा तब स्टार कास्ट नहीं, कुछ भी सब छोटे छोटे एक्टर। थैंक यू सर।